पिछले 10 महीनों से चल रहा रशिया यूक्रेन और में एक देश ऐसा है जिसके साथ रशिया और यूक्रेन दोनों का रिलेशन ठीक ठाक है और वो है टर्की। इस लड़ाई के शुरू से ही जब सारे यूरोपियन कंट्रीज कोई ना कोई वेपन भेजकर हेल्प कर रहा था यूक्रेन को, तब टर्की ने अपना बायरक्टर ड्रोन भेजकर हेल्प किया था यूक्रेन को, जो रशियन सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा था। दूसरी ओर वही टर्की यूएन के साथ मिलकर रशिया और यूक्रेन के बीच ग्रीन डील भी करवाए थे और बीच में तो ये भी खबर आया था कि टर्की रशिया और यूरोप के बीच मीडिएटर का काम करेगा तेल के लिए। अब वही टर्की फिर से एक बार हेल्प किया है यूक्रेन को, पर इस बार सीक्रेटली। अब सीक्रेटली उनको ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो वेपन टर्की ने भेजा यूक्रेन को उसे इंपोर्ट करने या फिर प्रोड्यूस करने के लिए रोक लगाया गया है 2005 से, और वो है सोवियत इराक के क्लस्टर बॉम्ब, जिसे मेनली यूज किया जाता है टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब आज के डेट पे ये क्लस्टर बॉम्ब गिने चुने कुछ देशों के पास ही मौजूद है, जिनमें टर्की भी शामिल है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने पहले यूएस को रिक्वेस्ट किया था इस बॉम्ब को देने के लिए, पर जब उन्होंने मना कर दिया तब यूक्रेन पहुंचा टर्की के पास और उसे वो मिल गया। हालांकि टर्की और यूक्रेन दोनों चुप है इस मामले को लेकर। अब इस घटना के बाद पुतिन का स्टांस क्या होता है टर्की को लेकर, ये देखना होगा।